ट्रैक्टर के टायर आधे आधे घुस गए हैं जमीन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाम से उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शुक्रिया। इस दफ़ा लाइट के काफ़ी ज़्यादा बिल आ गए हैं। पहले बिल जो है कम आता है, इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा हुकूमत ने टैक्सेस लगा दिए हैं। देख सकते हैं 20,000 के करीब हमें आ गया है, क्योंकि 2 मीटर है हमारे घर के, 2 मीटरों का इतना आया है। पहले भी मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया हुआ है कि हमारा एक लाइट का मीटर ख़राब हो गया था, उसके लिए एप्लीकेशन दी हुई थी, तो अभी तक वो हमारा न्यू मीटर नहीं आया। लगा हुआ है, ये वापडा वाले उतार के ले जाएंगे और यहाँ पे न्यू मीटर लगा देंगे। नेक्स्ट मंथ का तो मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा बिल आएगा, क्योंकि एक मीटर पर सबका सब लोड है इस मीटर पर। हमारी दुकान का मीटर वापडा वाले उतार के ले गए थे, जो किराएदार हैं जिनको हमने दुकान दी थी किराए पर, उन्होंने बिल नहीं पे किया था 3 मंथ का। तो अभी मीटर तो वापस आ गया, बिल पे कर दिया था ऑनलाइन बिल डाउनलोड करके। अभी ओरिजिनल बिल भी शॉप का आ गया है, तो उस पर सबका साथ 3 मंथ का और एक अब इस मंथ का 4 मंथ का बिल आके आ गया। तो अभी वो पॉपडा ऑफिस से फिक्स करेंगे कि क्यों दोबारा से सारा बिल आ गया है। हाँ जी भाई, क्या रहता है? अब चले यार, चलें सिटी चलते हैं पॉपडा ऑफिस। हमारे एरिया में धान की फसल बहुत कम लगाई जाती है, तो इस दफ़ा यहाँ पर लोग धान की फसल लगा रहे हैं। तो सामने देखा जा सकता है ट्रैक्टर के साथ हल और सुहागा चला रहे हैं ज़मीन में, ताकि ज़मीन नरम हो जाए और फिर धान की फसल अच्छी तरह लग सके। दांतलियां वाला ग्रेड स्टेशन। A few moments later. का हमारा मसला तो हो गया हल, हमने पहले वाला बिल काट के अभी न्यू लगा दिया, तो ये अभी पे कर देंगे वहाँ पर। ये हमारे दांतलियां वाला का वापडा ऑफिस है, तो यहाँ पे लाइट का सब कनेक्शन है, जो हमारी तरफ जाती है लाइट यहाँ से ही जाती है। यहाँ पे एक बिल्डिंग होती थी, तो अभी काफ़ी अपडेट हो गया है, अभी 2-3 बिल्डिंग न्यू बन गई हैं। मैं तो काफ़ी टाइम बाद आया हूँ ऑफिस। कैल्शियम प्लस विटामिन की ये डब्बा लिया है, जिसमें शाशे होते हैं, तो करके लिए जिन लोगों को कैल्शियम की कमी है या विटामिन की कमी है, विटामिन सी की, तो ये बेस्ट है उन लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जंगी भाई, क्या हाल चाल है, ठीक हो? जंगी भाई के चने काफ़ी मशहूर है हमारे सिटी में, तो काफ़ी लोग खाते हैं इनसे। कुछ लेंगे चने, बढ़ गया भाई, बढ़ गया रश सिटी में। बंदा बच्चे जवान दामों की कुछ ली हैं गर्मियाँ खाने के लिए। पहले नूडल्स पैकिंग में आते थे, लेकिन अभी खुले भी आ गए हैं, लिए हैं, बना के चेक करेंगे ये साथ में इनकी अलहदा सादा वगैरह। एक लिया है बायो आमला तेल। आड़ू हो गया सस्ता और काफ़ी आ गया है सिटी में, लोग अभी फुल मज़े के साथ खा रहे हैं। रेड़ियाँ लगी हुई हैं काफ़ी, और फ्रूट अभी इस तरफ आड़ू है, सोचा कुछ ले लेते हैं। भाई अभी लेंगे आड़ू, आड़ू तो हमारे आ गए हैं। पेंसें पी रही हैं मज़े के साथ पानी। इस ज़मीन में चला रहे थे सुहागा, ट्रैक्टर फंस चुका है। धान की फसल लगाने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि ट्रैक्टर अगर फंस जाए फिर काफ़ी मसला बन जाता है। अभी मैसी 375 ट्रैक्टर है, तो काफ़ी ज़मीन में चला गया है। अभी आगे एक ट्रैक्टर डाला हुआ है 640, देखते हैं कि निकलता है या नहीं। चलें चलें चलें, जान दो जान दो। ओ, ट्रैक्टर के टायर आधे आधे घुस गए हैं ज़मीन में। अभी ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं निकल रहा। क्या चाल है, पेपर कैसा हुआ आज? इस्लामियात का था, फिर मुसलमान है वो तो कर लेना। आसान सवाल ही थे, इजी था, जबरदस्त हो गया। ले जी भाई अपना सामान, सबका सब निकाल के बैठे हुए हैं। संदूक कांच की गोलियों के साथ फुल हुआ है भाई, बोतल में डाल रहे हैं कांच की गोलियां। काफ़ी सामान है भाई, आ जाएंगे सब कांच की गोलियां। अड़ू माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े हैं, धूप आज निकली हुई है। बादल अभी भी कुछ कुछ हैं, लेकिन पहले की नस्बत काफ़ी धूप है। पहले तो बादल ही होते हैं, 2-3 दिन लगातार रहे हैं और बारिशें भी होती कहीं हैं। बच्चों को काफ़ी शौक़ होती है कांच की गोलियों के साथ खेलने की। जब हम छोटे थे हम भी बहुत ज़्यादा खेलते थे। भाई ने कुछ खरीदी हुई हैं, कुछ हमारे वाली कांच की गोलियां, तो इतनी इकट्ठी हो चुकी हैं घर में। बच्चों की स्पेशली गेम, इस पर बहुत खेला जाता है, मुख्तलिफ किस्म की गेम्स होती हैं इनमें। ये रही कार, शू लोडर ट्रक। 125 की ट्यूनिंग करवाने वाली है, 2 मंथ हो गए हैं ट्यूनिंग करवाई को। गेयर जब लगाए जाते हैं तो आवाज़ें भी देता है, चैन का भी मसला है। तो गरारी सेट अमू जान ने भेजा था, तो अभी भाई ये डलवा कर लेकर आएंगे। बाकी ट्यूनिंग श्यूनिंग इसके सब ओके करेंगे। गरारी सेट काफ़ी अच्छा है, ओकमैक कंपनी का। ये छोटी गरारी, बड़ी गरारी है, ये साथ में चैन
करारी सेट और इसके साथ में तुलाई भी करवा लेना। भूख लग चुकी थी काफी, भाई ने अचानक से मुझे समोसा दे दिया, दिल खुश हो गया। साथ में कुछ वर्किंग भी कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, पहुंचे हैं खैरियत, ट्यूनिंग श्यूनिंग हो गई है सब, खैरियत है, जबरदस्त हो गया। चले एक बार मुझे टेस्ट करने दें, बाइक टेस्ट करते हैं कि कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं दे रहा। एकदम जबरदस्त है बाइक की, अभी बिल्कुल आवाज़ कोई किस्म की नहीं आ रही, नीट एंड क्लीन हो गया। कई लोग लेकर आए हैं कुछ आम, तो आमों की बहुत खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त है। बिल्कुल आमों का मौसम चल रहा है, इनको शॉपर से निकाल देते हैं बास्केट में ताकि ख़राब ना हो जाएं। इधर जी सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। मारवन क्लासिक सिगरेट, कीमत सिर्फ 65 रुपये। ये कहाँ से लिए हैं? ये हमारी दुकान में आए हैं। देखा जा सकता है न्यू सिगरेट आई है। हर साल हम अपने खेत में देसी मकई बीज वाली लगाते हैं, जिसका बीज बनाया जाता है। बीज हम खुद भी खेत में लगाते हैं और दूसरों को सेल भी करते हैं। देसी मकई इन दिनों में लगाई जाती है नालियों पे, तो अभी जमीन कर देते हैं तैयार। दो बार हल चला दूंगा जमीन में और सुबह नालियाँ बनाने वाला रेजर लेकर आएंगे और उसके साथ नालियाँ बना दी जाएंगी और मकई भी सुबह ही लगा देंगे। इधर हमारा लगाया हुआ है मकई का चारा। अभी इस दफ़ा बारिशें भी आना स्टार्ट हो गई हैं, तो इरादा है कि जल्द अज़ जल्द मकई का काम ख़त्म किया जाए। अभी लेकर आते हैं जल्द अज़ जल्द ट्रैक्टर का डीजल और डालते हैं ट्रैक्टर में, और हल जो है पहले से ही डाले हुए हैं, पहले ज़मीन में हल चलाए थे और उसी वक्त के वैसे डाले हुए हैं। आजकल के दिनों में जानवरों के लिए ज्वार का चारा कटाई किया जाता है। आज एक रेडी कटाई करके लेकर आए हैं। ज्वार का चारा काटने के बाद मेरे जिस्म पे काफ़ी खारिश आती है, और खारिश करने के बाद कुछ ये हालत हो जाती है, बाजू की लाल लाल निशान बन जाते हैं। अभी लेने आ गए हैं डीजल, शेल का पेट्रोल पंप का आ गया टैंक, इसमें तेल भरा हुआ है 8000 लीटर। इतना ज़्यादा तेल, 2500 रुपये का लिया है डीजल, तो हमें मिला है 11 लीटर। मुश्किल से कैन हमारा आधा हुआ है डीजल के साथ, कुछ वो भी टाइम था जब ये वाला कैन फुल हो जाता था इतने पैसों में। बाइक के टायर में ऐसे अचानक से हवा निकल गई है, पता नहीं अब पंक्चर हुआ है या वैसे टायर फट गया है। सामने शॉप टायर वाली है तो वहाँ से पता करते हैं। हाँ टायर ना चेक करें यार, बाइक का टायर भी एक साइड से फट चुका है। भाई ने कुछ एक टूब का पीस रख दिया है टायर में, अभी गुजारा कर जाएगा। और एक पंक्चर भी था वो भी लगा दिया है, टायर भी फिर किसी टाइम डलवा लेंगे। गोर में जूस ना पिया तो फिर क्या जिया। साथ में लिया है कैंडी बिस्किट, बाइक की पसंद, मज़ेदार। कौवे चिड़ियाँ आ गए हैं सुंडी वगैरह चुगने, जैसे ही हल चलाए जाते हैं परिंदे आ जाते हैं। ज़मीन में फाइनली हल चला दिए गए हैं, ज़मीन अभी अच्छी तरह हो गई है तैयार, काफ़ी बारीक हो गई है। सुबह का अभी इसमें मकई लगा दी जाएगी, पानी लगा के सुबह का ब्लॉग मकई के बारे में होगा, ब्लॉग ज़रूर देखा करें। खैर आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं जी ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।